नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू माथुर आज आपसे महीने की प्रॉब्लम्स को लेके क्या क्या विकार बच्चेदानी में या पेल्विक ऑर्गन्स में हो सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। जैसा हमने हमेशा ही बात करी है कि फीमेल हेल्थ या स्त्री की जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा मानसिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड करती है। महीना ज़्यादा आना, महीना कम आना, महीने में दर्द होना, ये सब इंडिकेट करते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम पेल्विक ऑर्गन्स में हो सकती है। इनमें जो कुछ हम जब जांच करते हैं तो कई बार ऐसा पाया गया है कि कुछ बच्चेदानी की बनावट या वजाइना की योनि की बनावट कुदरती तौर पे ऐसी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हैं। कुछ महिलाओं में, कुछ लड़कियों में महीना टाइम पे नहीं आता है या आता ही नहीं है 16-17 साल तक। उनमें कई बार ऐसा पाया गया है कि वजाइना होती नहीं है या नीचे से आधी बनी हुई होती है। कभी कभी ऐसा पाया गया है कि जब महिला किसी कारणवश उनकी सोनोग्राफी होती है तो बच्चेदानी जैसे होती है वैसा ना होके, सेंटर में एक ना होके, वो या तो साइड में एक होती है या सेंटर के दोनों तरफ एक एक होती है, जिसको हम कहते हैं बच्चेदानी दो है। इन बनावटों को हम कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस कहते हैं, जिनके कि अलग अलग तरीके से पेशेंट्स आते हैं। कई बार कुछ भी नहीं होता है और जब डिलीवरी होती है तब पता चलता है, जिसमें बच्चा उल्टा हो या बच्चा टेढ़ा हो तब हम मानते हैं कि बच्चेदानी में किसी तरीके की बनावट में खराबी है। इसलिए मैं हमेशा राय दूंगी कि अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, महीने में किसी भी तरीके का दर्द ज़्यादा हो रहा है, महीना बहुत ज़्यादा आता है या महीना बिल्कुल कम आ रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें और एक सोनोग्राफी कराएं, जो कि नॉन इन्वेसिव होती है, जिससे कि हमें आगे के हम प्लान कर सकें कि किस तरीके से उसका करेक्शन होना चाहिए। ये 100 में से करीब 0.5% में ये मैलफॉर्मेशंस पाए जाते हैं और ये जान के लिए खतरनाक नहीं है। इनका हम आराम से मैनेजमेंट कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए कि ये विकार इस स्त्री में है। इसके बारे में और जानने के लिए आप हमें संपर्क करें। हमारी डिटेल्स आपको मंगलम हॉस्पिटल, बर्फ खाना, आदर्श नगर है। धन्यवाद।